पूरे विश्व में हिंदुओं में सक्रिय रूप से अन्नकूट का जश्न मनाया जाता है और अक्सर दिवाली समारोह के चौथे दिन गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट उत्सव को जोड़ा जाता है। दिनांक 24/10/2021 को उर्मोरा विधानसभा घोरावल क्षेत्र में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय यादव तथा साथ में वर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी की विजय यादव एवं पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम बिहारी यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी राम निहोर यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अनिल यादव आदि मुख्य रूप से इस आयोजन में सम्मिलित हुए। गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपद तिथि को मनाया जाता है। श्री दिवाली के उत्सव के चौथे दिन को वर्ष प्रतिपदा और राजा विक्रम के राज्याभिषेक के नाम से जाना जाता है। इस दिन शाम के समय में विशेष रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय लोक जीवन में इस पर्व का अधिक महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है, इसलिए गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन के लिए मान्यता प्रचलित है कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन धाम के लोगों को तूफानी बारिश से बचाने के लिए पर्वत अपने हाथ पर उठा लिया था। अन्नकूट पूजा को अत्यधिक कृतज्ञता जुनून और उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। यह भारत के विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन और बिहार के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। अनेक स्थानों पर इसके मनुष्यकार बनाकर पुष्पों, लताओं आदि से सजाया जाता है। संध्या को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, बताशे आदि का प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन में ओंगा अपामार्ग अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनकी जय बोलते हुए लगाई जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व अन्न खील जौ लेकर चलते हैं। जल के लोटे से पानी की धारा गिरती हुई तथा अन्न जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। इनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन पूजा का समय कहीं प्रातः काल होता है तो कहीं दोपहर और कहीं पर संध्या के समय गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा अपने घर में करने से धन धान्य संतान और गोरस की वृद्धि होती है। आज का दिन 3 उत्सवों का संगम होता है। इस दिन दस्तकार और कल कारखानों में कार्य करने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करते हैं। इस दिन सभी कल कारखाने तो पूर्णतः बंद रहते ही हैं, घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। भगवान विश्वकर्मा और मशीनों एवं उपकरणों का दोपहर के समय पूजन किया जाता है। Thank you.
ये बढ़िया की चीज है। कायदा क्या है? निकल ले, ज्यादा नहीं।
शाम को लो आ जाए तो चिंता अरे बस दो मिनट लगेगा एकदम तो एकदम निकलवा रहे हैं एकदम राजेश चिंता मत कर एकदम आओ आओ अरे वहां भी है।